Hello friends, I am Asit Kumar Tirki. I welcome you all in this Asan English channel. So friends, today we are going to study about voice, which is called watch in Hindi. तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वॉइस, जिसको हिंदी में वाच कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मैं बताऊंगा आप सभी को, मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि दोस्तों ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डील करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल वो हम पढ़ते हैं कब, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमको इतना पता नहीं होता है कि ये जो टॉपिक है वो केवल इन सभी क्लासों में या फिर 10th में 12th में केवल काम नहीं आते हैं, ठीक है। 10th में 12th में तो काम आते ही हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में भी ये हमारे लाइफ में काम आते हैं, क्योंकि 12th के बाद जो है हम क्या करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी हम करते हैं बाद में, फर्दर स्टडीज जब करते हैं तब, जैसे नीट की तैयारी करते हैं या फिर टेट की तैयारी करते हैं, CGTET की तैयारी करते हैं, है ना, नेट की तैयारी करते हैं, तो इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप मान के चलो कि ये जो है आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक कि आपका जॉब ना लग जाए, है ना, तब तक कि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करते हैं, तब तक के ये काम आने वाला है। तो दोस्तों आप सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार सीख जाए तो लाइफ लॉन्ग इसका काम हमें आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चलो हम इसको बिना देर किए मैं आप लोगों को जल्दी से समझा देता हूं। दोस्तों आप वीडियो को बस जरूर लास्ट तक देखिएगा, धीरे से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर आप लोगों को डैम श्योर आप लोगों को समझ आ ही जाएगा, है ना। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपको समझा के दूंगा, और अब के बाद आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने में जो है कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। एग्जाम लिखने जाओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं डैम श्योर आपसे वादा करता हूं आप कभी गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वॉच या फिर वॉइस जो है वो होता क्या है, ठीक है। जो इंग्लिश में वॉइस है उसको हिंदी में वॉच कहते हैं, और ये होता क्या है, ये एक बोलने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिखा हूं आप लोगों के लिए, बोलने का विषय है या फिर बोलने का एक तरीका होता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं वे ऑफ सेइंग और टेलिंग। बोलने का एक तरीका होता है, जो हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं उस सेंटेंस को दूसरे तरीका से भी कैसे बोला जाए, ठीक है, तो वो होता है क्या, वॉइस या फिर वाच्य। अब यहां पर ये जो वॉइस है वो दो होते हैं, ठीक है, एक एक्टिव वॉइस होते हैं और एक पैसिव वॉइस होते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं उसको मैं एक एक करके आपको मैं समझा देता हूं। जो एक्टिव वॉइस होता है वो दोस्तों वो क्या, उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि ये एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस मींस दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो कि वर्ब के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, है ना, इसको हम कह सकते हैं क्या, डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस को, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम पैसिव में अगर हम देखें तो पैसिव में क्या होता है, वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब को या फिर एक्शन को रिसीव करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिसीवर, रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, उसी को मैंने यहां लिखा है। पैसिव वॉइस हैज अ सब्जेक्ट विच इज अ रिसिपेंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, वो एक्शन को रिसीव करता है, उसको पैसिव बोलते हैं। और एक्टिव में क्या होता है, वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो एक्शन को करता है, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है। यहां मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, यहां पर काम कौन कर रहा है, ये आई कर रहा है, मतलब करता कर रहा है, ठीक है। वो करता जो है, सब्जेक्ट जो है वर्ब के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, मतलब यहां पर एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहां रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा पैसिव, और एक्टिव में क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन होगा, ठीक है। तो बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है, और अभी कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या रूल इसमें फॉलो होता है, वो मैं आप सभी को अभी तुरंत बताता हूं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि इसको जो है
चेंज करने का रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये बता दूं कि कौन कौन सा टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और किसको किसको नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को अभी तक तो पता हो गया होगा कि कितने टेंस होते हैं, है ना, और उन टेंस के कितने कितने भाग्स होते हैं, ये सबको पता होगा। अगर दोस्तों अभी तक नहीं पता है तो सबसे पहले तो आप टेंस को स्टडी कर लीजिए, जान लीजिए, है ना। नहीं सीखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से टेंस पहले सीख लीजिए। वहां एक एक टेंस को अलग अलग तरह से मैंने समझा के रखा है, ठीक है। तो फिर भी मैं बता दूं कि कितने टेंस होते हैं, किसको किसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो टेंस दोस्तों बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक एक के चार चार होते हैं, प्रेजेंट टेंस चार होते हैं, चार भाग होते हैं, और पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, जो मैंने यहाँ आपके लिए लिख के रखा है पहले से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 12 टेंसेस होते हैं। तो दोस्तों इन 12 टेंसों में से जिसको जिसको नहीं चेंज कर सकते हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूं, उधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर किसको किसको हम चेंज कर सकते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दोस्तों हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें लिस्ट से हटा दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम चेंज कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस इसको हम चेंज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इसको हम कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिस्ट से इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको भी कर सकते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसको भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लिस्ट से हटा देते हैं, और हम कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और लास्ट वाला जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम उसको लिस्ट से हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन चार टेंसों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से है वो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इन चार टेंसों को जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। बाकी टेंस जो है बचते हैं कितने, एक बचते हैं, ठीक है। एक टेंस बचते हैं और चार उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना। तो चार को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और केवल एक टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि अगर मान लो जो वाक्य है एक्टिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस का होगा, क्या ऐड होगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले उस लिस्ट को हमें याद रखना है, ठीक है। अगर उस लिस्ट को याद कर लिए और टेंस आपको क्लियर है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब क्वेश्चन आपको चेंज करने के लिए मिलेगा, आई एम डैम श्योर आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं कि कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, है ना, उसका एक रूल है, ठीक है। वो लिस्ट अभी मैं यहां बनाऊंगा और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि अगर मान लो एक्टिव वॉइस में जो वाक्य है उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहां पहले से आप लोगों के लिए चार्ट रेडी करके रखा है, अगर मान लो ये चार्ट आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है, अभी अगर मान लो आप सीख रहे हैं तो ये चार्ट को पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं दूसरे स्टडी मटेरियल से भी इस चार्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये बता देता हूं कि अगर मान लो एक्टिव वॉइस में जो वाक्य होता है उसको चेंज करते हैं तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है और उसको हम पैसिव में जब चेंज करते हैं तब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिए कि अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर मान लो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक है, इस एम आर रहता है, लेकिन साथ में हम क्या यूज कर देते हैं, बीइंग यूज कर देते हैं जब पैसिव में चेंज करते हैं तो, ठीक है, इतना ही बस याद रखना है।
और नेक्स्ट वाला को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसमें भी पहले से हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज रहता है, और साथ में हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो बीन लगा देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला सिंपल पास्ट टेंस। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट में होता है तब हमको क्या करना है, उसके आगे वाले टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो कि वास और वेयर है, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट वाला क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मान लो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब वास और वेयर रहता है, वास वेयर है, लेकिन साथ में हम क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मान लो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तब हम पैसिव में जब चेंज करते हैं तो उसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब ऐड रहता है, ठीक है, लेकिन साथ में हम क्या ऐड करते हैं, बीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में जब वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में और उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल रहता है, ठीक है, लेकिन साथ में हम बी भी ऐड कर देते हैं जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो साधारण सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये बी जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट वाला क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर वाक्य रहता है एक्टिव वॉइस में तब जब उसको हम चेंज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उसमें भी होता है, शल हैव विल हैव पहले से रहता है, और जब हम पैसिव में चेंज कर देते हैं तो क्या यूज कर देते हैं, बीन यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, कि अगर मान लो एक्टिव वॉइस में वाक्य कौन सा टेंस में है तो अगर हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर चेंज करोगे भी, अगर ये नहीं पता है तो आप गलती करोगे, ठीक है। तो और एक बार मैं अच्छे से इसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, जो कि कंटिन्यूअस टेंस का है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले से हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज एम आर रहता है, साथ में बींग लगा देते हैं, मतलब इतना है ना। कॉमनली आप देख लो दोस्तों कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, बीइंग लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद में और बीइंग नहीं लगाते हैं, दो याद करना है दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है, ये दो याद हो गया। और एक चीज क्या याद रखना है दोस्तों, कि ये जो बीइंग है वो कहां कहां पर लगता है, ठीक है, ये तीन जगह लग रहा है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में लग रहा है, और एक तो पास्ट परफेक्ट में लग रहा है, और एक जो है फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में जो है दोस्तों बीन लगाते हैं, और कंटिन्यूअस में है दोस्तों उसमें क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीई आई एन जी लगाते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर और सिंपल पास्ट में वाज वेयर है ना, इतना ही बस आप लोगों को याद रखना है, बाकी ईजीली आपको बन जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन लगता है, कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बस मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये चार्ट को जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, है ना, ये चार्ट याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम चेंज करेंगे तो ये चार्ट हमें बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं, चेंज करने का रूल पहले हम सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे चेंज किया जाता है, फिर हम अलग अलग से उसको सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, इंपेरेटिव को कैसे चेंज करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलो हम अभी सीखते हैं रूल को। तो चलो मैं उस रूल को बताने के पहले मैं और एक चार्ट से मिला देता हूं दोस्तों, जो कि हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। और वो चार्ट यहां पर मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूं, वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोनाउन लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन राइट साइड में है। तो जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, वो रूल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई वी यू ही शी इट दे, इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का मी हो जाता है,
वी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है और दे का देम हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस दिख रहा है ये भी जब पैसिव में चेंज करेंगे सेंटेंस को तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करो, याद कर लो अगर नहीं याद है तो। ठीक है, तो चलो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, क्या क्या रूल्स। तो चलो हम जल्दी से रूल को सीखते हैं, क्या क्या चीज हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में सेकेंड क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब एक्सचेंज करना है। ठीक है, एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ वाला क्या है, हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जो मेन वर्ब होता है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, है ना। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मेन वर्ब होता है उसको हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो चेंज मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, जो मेन वर्ब होता है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। लास्ट वाला क्या है, हमें यूज करना है क्या का, बाय का, बाय का यूज करना है और किसके बाद यूज करना है, मेन वर्ब के बाद, आफ्टर आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब और प्रोनाउन। ठीक है, तो इतनी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस में है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है क्या, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमें एक्सचेंज करना है, क्या को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में हमें चेंज करना है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में। ठीक है, हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। उसके बाद में हमें यूज करना है बाय, किसके बाद में, मेन वर्ब के बाद में, या फिर प्रोनाउन जो लास्ट में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके पहले हम, है ना, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रूल और इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें एक्टिव से पैसिव में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। मैं एग्जांपल दे दे के मैं आप लोगों को वन बाय वन समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य हो तो कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप भी बनाते रहिए साथ ही साथ, है ना, अगर देख रहे हो तो उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। तो फिर आप भी पेन कॉपी पकड़ के बैठिए, आप भी चेंज करते रहिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं इधर में आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप भी करते रहिए। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली आप गलत नहीं करोगे अगर ये सब रूल आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से सीखते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो अगर मान लो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तब हम उसको कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन सभी टेंस को करेंगे। तो शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर इसमें वाक्य हो तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, एक बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ही ईट्स मैंगो डेली। ठीक है, ये रहा हमारा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग रूल में क्या सीखे हैं, इसको जब पैसिव में चेंज करना है तो, ठीक है, एक्टिव में है तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में।
तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको? तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस में है, ठीक है? अभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग तुरंत बता दोगे, है ना, कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है? तो लेकिन रूल क्या है, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस में है, ठीक है? तभी हमको पता चल पाएगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, ठीक है? तो अभी उसके बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ही ईट्स मैंगो डेली, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, ठीक है? तो हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हमको इधर में क्या लिखना पड़ेगा, मैंगो, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में वाक्य हो तो उसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ईस एम आर आएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मैंगो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, ईस लगाएंगे, है ना? हेल्पिंग वर्ब मिल गया। उसके बाद में हमें मेन वर्ब लगाना है, मैंगो इज। अब मेन वर्ब यहां कौन है, ईट्स है, है ना? तो ईट का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ईटन, ईटन हो गया। अब वर्ब आ गया, उसके बाद में हमें बाय यूज करना है। उसके बाद में जो यहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और ये अदर वर्ड को हम इधर लगा देंगे, डेली, ठीक है? ये चेंज हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। आसान है ना दोस्तों, बहुत आसान है, ठीक है? तो चलो हम और एक एग्जांपल देखते हैं। रीमा सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है? तो इसमें हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और उसके बाद में हमें ढूंढना है उसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट उठा करके हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग, ठीक है? तो ये हमारा पैसिव है, ये हमारा एक्टिव है, पैसिव बना रहे हम लोग, अ सॉन्ग। उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना? अ सॉन्ग इज, सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है तो इस लगाए, अ सॉन्ग इज। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, सिंग्स यहां है तो क्या चेंज हो जाएगा, सिंग सैंग संग हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग, है ना? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाय यूज करना इधर, बाय के बाद में हमें प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन यहां पर नाम है तो हम इधर क्या लगा देंगे, नाम लगा देंगे, अ सॉन्ग इज संग बाय रीमा, ठीक है? तो ये चेंज हो गया हमारा पैसिव में, ठीक है? जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो हमको इसी प्रकार से चेंज करना है, ठीक है? तो भूलिएगा नहीं, बस हमको थोड़ा सा चीज को याद रखना है, ठीक है? जो भी मैंने अभी इसके पहले रूल्स वगैरह बताया है, बस उसको ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? अगर ये चीज आप सीख गए तो सभी टेंस में रूल सेम है, ठीक है? केवल हमको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर ही ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, तो बस उसको ध्यान में रखना है, बाकी रूल्स जो हैं सेम है, ठीक है? तो एक समझ गए मतलब आप बाकी टेंस का भी आप बना लोगे, ठीक है? तो चलो हम तुरंत जाते हैं नेक्स्ट पे। अगला वाला टेंस कौन सा है, सेकेंड वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो अगर मान लो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे पैसिव में, चलो हम एग्जांपल देखते हैं। राजू इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये रहा हमारा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसको हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, चलो हम करके देखते हैं पैसिव में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, हमको तो पता है, आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आइडेंटिफाई करते हैं चलो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां है इस सेंटेंस में, अ स्टोरी बुक, तो उसको हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो इधर सबसे पहले लिखते हैं अ स्टोरी बुक। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट मिल जाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी उसमें रहता है, है ना, इज एम आर रहता है, तो उसके साथ में हमें क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, बी ई आई एन जी, बीइंग, ठीक है? तो यहां उसको ऐड कर देते हैं, इज बीइंग। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में मेन वर्ब पे चले जाते हैं, मेन वर्ब यहां रीड है ना, रीडिंग है,
तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। हालांकि ये जो है उच्चारण उसको अलग करते हैं लेकिन उसका स्पेलिंग जो है सेम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, रीड रेड रेड, तो यहां आ जाएगा रेड, ठीक है। मेन वर्ब के बाद में हमें क्या ऐड करना है, बाय ऐड करना है। बाय ऐड कर देने के बाद में हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। बाय के बाद में क्या हो जाएगा, राजू। ये रहा हमारा पैसिव, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज करते हैं पैसिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बस मान लो ईजी है और आपको बन जाएगा, आसान लगेगा, ठीक है। तो आ स्टोरी बुक इज बीइंग रेड बाय राजू, ये हो गया हमारा पैसिव, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग क्या किए हैं, हेल्पिंग वर्ब को बस चेंज किए हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए, बाकी फॉर्मूला जो है दोस्तों सेम है, ठीक है। आई होप आपको अभी तक जो है कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो चलो हम जाते हैं नेक्स्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट वाला कौन सा है, थर्ड वाला, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। They have killed a snake. ये रहा हमारा example. इसको भी हम चलो change करते हैं passive में, ठीक है। तो affirmative sentence को change करने का same तरीका है दोस्तों, बस हमको object identify करना है, subject बनाना है, helping verb लगाना है, verb का third form लगाना है, by लगाना है और subject को object में change कर देना है, ठीक है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद में कुछ हमें नहीं करना है। तो passive में कैसे change करेंगे, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर अ स्नेक है, तो अ स्नेक को हम क्या कर देंगे, यहां सब्जेक्ट बना देंगे, अ स्नेक। सब्जेक्ट मिल जाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहां है, हैव है, ठीक है। तो याद ये रखना है कि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैव और हैज रहता है, और जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो साथ में और एक चीज ऐड करते हैं, वो क्या है, बीन, बी डबल ई एन, बीन, ठीक है। तीन परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो तीनों परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं, साथ में हमें क्या ऐड कर देना होता है, बीन ऐड कर देना होता है। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। अब यहां पर हैस हमने क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल होता तो हम क्या लगाते, हैव लगाते, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, अभी मेन वर्ब कहाँ है, किल्ड है। ये जो है रेगुलर वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सेम होता है, किल्ड 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 ही। तो हम यहां लिख देंगे किल्ड, इसके बाद में बाय ऐड कर देंगे। बाय के बाद में सब्जेक्ट क्या है, यहां पर दे है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये रहा हमारा पैसिव, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम चेंज करते हैं, बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, बस हमको इतना याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है, बस हो गया पैसिव, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलो हम जाते हैं नेक्स्ट टेंस पे। नेक्स्ट टेंस कौन सा है, फोर्थ वाला, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको स्किप कर देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में आ जाते हैं। इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं अभी तुरंत। माई मदर कुक्ड फूड, ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। माई मदर कुक्ड फूड, ठीक है। तो यहां पर यह कौन सा टेंस में है, पास्ट में है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आप लोग भी दोस्तों मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। कॉपी पेन रखे रहिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी करते जाइए, जैसे ही मैं एग्जांपल लिखता हूँ तुरंत आप पैसिव में चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो साथ साथ में आप लोग भी बहुत आसानी से सीखते जाओगे। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर फूड है ना। तो फूड हम लोग पहले लिख देते हैं, फूड मिल गया है ना। तो
उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें, ये पास्ट टेंस में है तो नेक्स्ट टेंस कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना है। वाज और वेयर आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वाज लगाना है। अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमको वेयर लगाना पड़ेगा। फूड वाज, ठीक है, फूड वाज। उसके बाद में मेन वर्ब कुक्ड, 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 ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है तो उसमें ईडी ईडी लगता है। फूड वाज कुक्ड बाय माय मदर, ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव। ठीक है, सब्जेक्ट अगर मान लो कोई नाम होता है ना, तो फिर वो वैसे ही उधर में आ जाता है। अगर प्रोनाउन होता है तभी उधर में ऑब्जेक्टिव में प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो हम जाते हैं अगला वाला टेंस पे जल्दी से। अगला वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसको भी चलो हम एग्जांपल से सीखते हैं। शी वॉज गिविंग मी अ गिफ्ट, ठीक है, ये हमारा कौन से टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, आ गिफ्ट और मी भी, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन में भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तरीका मैं बताऊंगा, उसके बाद में सेकंड वाला अभी तुरंत बताता हूँ। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट क्या है, अ गिफ्ट है, तो हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, अ गिफ्ट, ठीक है। उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉस या वेयर, प्लूरल होगा तो वेयर लगाएंगे, तो ये सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज। वॉज के साथ हमको ऐड करना है क्या, बीइंग, ठीक है, बीइंग, क्योंकि ये कौन से टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और बीइंग ऐड कर रहे थे, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो दो टेंस में हम बीइंग ऐड करते हैं, वो कौन कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के तो हम चेंज नहीं करते हैं। तो दो चीज को याद रखिएगा, दो टेंस को, अ गिफ्ट वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिविंग का गिवन हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसको दिया जा रहा है, मुझे दिया जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन रहेगा तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं, टू, ठीक है, गिवन टू मी बाय किसके द्वारा, है ना, यहां प्रोनाउन शी है तो उधर में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैसिव में, ठीक है। या फिर हम जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको भी हम सब्जेक्ट के रूप में ले करके बना सकते हैं। कैसे, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज आता है, तो हम वॉज लगा देंगे, आई वॉज बीइंग गिवन अ गिफ्ट बाय हर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जो है सब्जेक्ट बना करके, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला, जब भी ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन रहेगा तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, तो दो प्रकार से बनेगा, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो हम जाते हैं अगला वाला टेंस पे। अगला वाला टेंस कौन सा है, छठवां वाला, सिक्स्थ वाला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको भी चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, तो ये है हमारा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट में चेंज करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले से रहता है और उसके साथ हमको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बीन, ठीक है। तीन परफेक्ट आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो तीनों में हमको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा,
सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है, तो इधर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आ लेटर, ये बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसमें तो कोई सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है सब्जेक्ट को, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड ही होता है, तो हैड लगा देंगे इधर, हैड, उसके बाद में बीन, हैड बीन, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, ऑलरेडी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रहता है, तो वैसे ही आ जाएगा रिटन, किसके द्वारा, बाय, प्रोनाउन आई है यहां सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ये चेंज हो गया हमारा पैसिव में, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों, बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, डैम श्योर आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा और आप कॉपी पेन लेकर के उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा साथ में, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अगला वाला को, और अगला वाला कौन सा है दोस्तों, सिक्स के बाद सेवन्थ, सेवन्थ वाला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, तो हम जाते हैं अगला वाला को, इसको स्किप कर देते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसमें हमको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। चलो हम इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, वी विल ईट मैंगोज, ठीक है। ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में, उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूला है दोस्तों, बस हमको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, हमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले से शैल विल रहता है और कंटिन्यूअस में बी का उपयोग करते हैं, तो उस बी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, वी विल ईट मैंगोज, तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट मैंगोस है, तो हम मैंगोस को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब मैंगोस विल, विल के बाद हमें जोड़ देना है बी, मैंगोस विल बी, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, किसके द्वारा, बाय, है ना, प्रोनाउन है यहां वी, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज आएगा अस, ठीक है। ये चेंज हो गया हमारा पैसिव वॉइस में, इजी है ना दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस हमने क्या किया है, बस हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया है, बस इतना ध्यान रखना, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सातवां हो गया, चलो हम देखते हैं लास्ट वाला को, आठवां वाला को कौन सा है, आठवां वाला कौन सा है दोस्तों, लास्ट वाला कौन सा है, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो हम इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं जल्दी से, सेम वैसे ही करना है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस हमको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला जो है सेम रहता है एज इट इज। दे विल हैव ड्रंक मिल्क, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, और जब परफेक्ट टेंस में होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ता है, बीन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, हेल्पिंग वर्ब विल हैव पहले से है, तो हमको बीन ऐड करना है साथ में, तो पैसिव में कैसे बनेगा, आइडेंटिफाई करो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है ऑब्जेक्ट यहां, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, यहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया मिल्क, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल हैव मिल्क, विल हैव, विल हैव के बाद में हमें ऐड करना है बीन, बीन आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहता ही है, ठीक है, तो ड्रंक हो गया, मिल्क विल हैव बीन ड्रंक, है ना,
बाय किसके द्वारा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो दे का क्या हो जाता है, देम, तो ये चेंज हो गया हमारा पैसिव में, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर मान लो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली आप एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये तो हमने क्या सीखा है, केवल अफर्मेटिव को चेंज करने के लिए सीखे हैं, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद में हम लोग सीखेंगे कि नेगेटिव को कैसे चेंज करना है, इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करना है, इंपेरेटिव को कैसे चेंज करना है, तो इन सभी सेंटेंस को जो है जब एक्टिव में होता है उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप दूसरे वीडियो को भी अच्छे से देखोगे और आपको वॉइस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं आएगा, और जब भी आपको एग्जाम में वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली सही करके आओगे, कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मान लो आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है, ये बाद में भी काम आएगा जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी, ठीक है। तो उसमें भी है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है अच्छे से सीख लीजिए। नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।